सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने कोडरमा के एक निजी स्कूल पहुंचे डीएसपी अविनाश कुमार। छात्र छात्राओं को बताए सफलता के गुण, कहा असफलता की परवाह किए बगैर जाए परीक्षा देने, आपका संबल ही आपको करेगा सफल। आगामी 19 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। छात्र छात्राएं दिन रात अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इधर झारखंड पुलिस सेवा के पदाधिकारी अविनाश कुमार शुक्रवार को कोडरमा के एक निजी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने दसवीं के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया और उन्हें सफलता के टिप्स दिए। इस दौरान डीएसपी अविनाश कुमार अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं से भी मिले और उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को असफलता की चिंता छोड़ इम्तिहान में बैठने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला हर छात्र आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता। आईएएस और आईपीएस बनने से पहले एकाग्रचित होकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने की जरूरत है। इस दौरान डीएसपी ने छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना उनके लिए जरूरी है। अधिक इस्तेमाल करने से इसके घातक परिणाम आ सकते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हुए सफलता के कई उदाहरण दिए। अंत में उन्होंने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता पढ़कर छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। बता दें कि झारखंड पुलिस सेवा के पदाधिकारी अविनाश कुमार कोडरमा जिले से आते हैं। जब भी मौका मिलता है अक्सर वे किसी न किसी स्कूल में चले जाते हैं और बच्चों के साथ संवाद कर उनका हौसला अफजाई करते हैं। अविनाश कुमार फिलहाल झारखंड पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित है। इससे पूर्व वे सरायकेला एसडीपीओ और चतरा एसडीपीओ रह चुके हैं, जहां उनके कार्यों की खूब सराहना हुई है। जी धन्यवाद। आज हम लोग कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र परसावाद के हम लोग यहां पे एके मेमोरियल विद्यालय में आ जाए हुए हैं। पुलिसिंग एक पार्ट है। पुलिसिंग हम चूंकि बाय प्रोफेशन पुलिस ऑफिसर है तो पुलिसिंग तो हमें करनी ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम पुलिसिंग हमारा ये ध्येय होता है कि हम जब खुद पढ़ लिख करके आज यहाँ पदाधिकारी बने तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि वैसे बच्चे जहाँ पे शिक्षा का लक नहीं जग पा रहा है या जहाँ पे मॉडर्न सुख सुविधाएं नहीं है या वैसे जगह पे जहाँ बच्चों को कोई वैसे पदाधिकारी जाकर के समझा नहीं पा रहे, वहां मेरा प्रयास रहता है कि जाके बच्चों के बीच में जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को बताना, करियर के बारे में काउंसलिंग करना, भविष्य में वह किस मुकाम पे पहुंचेंगे उसके बारे में उन्हें अग्रिम रूप से बताना। इस प्रयास में हम लोग लगभग पिछले चतरा में भी हम लोगों ने लगातार कार्य किया, उससे पहले सरायकेला में हम लोगों ने लगातार यह कार्य किया। जब जब जहां जहां पदस्थापना होती है बच्चों के बीच में जाता हूं और मोटिवेट करता हूं। जो थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोगों ने सीखा है अपने दरमियान पढ़ाई के तो उस पढ़ाई को हम लोग यूज करते हैं, बच्चे काफी खुश होते हैं और एक बच्चे को साक्षात पदाधिकारी मिलने के बाद वह भी मोटिवेट होते हैं और प्रयास करते हैं कि वह भी आगे बढ़ करके और अच्छा कार्य करें। और इसके साथ ही आज बच्चों को हम लोग यह भी बताना चाह रहे हैं कि अभी एग्जाम का माहौल है, अभी टेंथ का एग्जाम चल रहा है, झारखंड जैक बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, आने वाले थोड़े दिनों में ही सीबीएसई बोर्ड का भी टेंथ ट्वेल्थ का एग्जाम है, तो हम लोग बच्चों को उसके लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे आप अच्छा मार्क्स लाएं। बच्चों को निगेटिविटी से बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निगेटिव दुर्भावना से मार्क्स लाना एक पार्ट है, एवरीथिंग नहीं है, हमारा सब कुछ मार्क्स नहीं है। मार्क्स के अलावे आप जो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, स्मार्ट पढ़ाई कैसे आप करेंगे, कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे आप स्कोर के प्रति ध्यान देंगे, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देंगे, तो हमारा यह प्रयास है कि बच्चों में दिमाग में यह ना रखें कि अगर हमारा मार्क्स कम आ जाएगा तो हम भविष्य में क्या सफल नहीं होंगे, नहीं वो सफल होंगे। अगर उनका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर अच्छा गाइड उनको मिला हुआ है और हमेशा अच्छा नया सीखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वह भविष्य में अच्छे पदाधिकारी बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं या जिस फील्ड में वो जाना चाहेंगे जाएंगे वहाँ सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। इसी कड़ी में हम आज यहाँ पे बच्चों के बीच में हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे खाओगे बुद्धि वैसी रहेगी बुद्धि। तो बच्चों को हमेशा बताना चाहिए कि हेल्दी फूड खाएं। बच्चों का जो एज है, जो पढ़ने का एज होता है, ग्रोइंग एज होता है, तो एज के साथ साथ उनका शरीर का भी विकास होता है और दिमाग का भी विकास होता है। तो अगर हेल्दी फूड खाएंगे, वैसे चीज जंक फूड से बचना चाहिए, वैसे चीज जो शरीर को हार्म करते हैं, शरीर को जो खराब करते हैं, अब उसके बुद्धि विकास में उनका बाधक बनते हैं। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वो चीजों को बच्चों को बताएं, बच्चों के गार्जियन को बताएं। बच्चे कभी भी भूखे पेट स्कूल ना जाएं, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, पानी बच्चों को पीते रहना चाहिए और हमेशा अपना जो टिफिन है वो हेल्दी रखना चाहिए और टिफिन पे ध्यान देना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और तभी हम उम्मीद करेंगे जो हमारे बच्चे आने वाले भविष्य के बेहतर नागरिक बने। देखिए सबसे पहले डिसिप्लिन होता है। अगर आप अनुशासन में रह करके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ
एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है, हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में, कि बच्चे सपना वैसा हो जो आपको सोने नहीं दे। वैसा कौन सा सपना है जो हमें नींद में जाग करके मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? हम सो जाएंगे तो सपना का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सपना वैसा होना चाहिए जो आपको सोने नहीं दे। डिसिप्लिन लाइफ जिए और डेली रूटीन सेट करें कि आज हमें कितना पढ़ाई कर लिया और कितना बाकी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसे क्लियर कट समझना चाहिए। फालतू के चीज़ों में अपने आप को एंगेज नहीं करना है। सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है उससे बचना है, और जो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, उसके जो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हैं सोशल मीडिया के, उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। गूगल का उपयोग आप नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, और गूगल का उपयोग गलत चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो क्लियर कट हमें डूज एंड डोंट को क्लियर करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी बच्चे ये क्लियर कर लेते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होता है डूज डोंट का, वो बच्चे निश्चित रूप से सफल बनेंगे। फिर आईएएस आईपीएस तो क्या, दुनिया के किसी भी चीज़ों को वो सक्सेस कर सकते हैं। मेरी ऐसी शुभकामनाएं सारे बच्चों को, वो भविष्य में बेहतर नागरिक बने, और जिस भी फील्ड में उनकी रुचि है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, एमबीए हो, कैट हो, या फिर मेडिकल फील्ड हो, या साइंटिस्ट का फील्ड हो, लेक्चरशिप हो, जिधर भी वो जाना चाहें, अपनी रुचि के हिसाब से मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चुमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड।